अंग्रेजी चौथे प्रकार की, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक, अब बात करते हैं हम तालु के आधार पर। तालु के आधार पर हमारे स्वर को चार भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? चार, चार नहीं चार, चार नहीं चार नहीं, ये गलत है। कितने भागों में बांटा गया है? चार भागों में बांटा गया। कितने में? चार भागों में बांटा गया। वो कौन कौन से हैं? पहला है संकृत स्वर, दूसरा है अर्ध संकृत स्वर, तीसरा है अर्ध विवृत स्वर, और चौथा है हमारा विवृत स्वर। यानी इस आधार पर, तालु के आधार पर हमारे स्वर को चार भागों में बांटा गया है। चार भागों में कौन कौन से हैं? पहला है संवृत स्वर, दूसरा है अर्ध संवृत स्वर, तीसरा है अर्ध विवृत स्वर, और चौथा है विवृत स्वर। फिर मैं बोल रहा हूं, तालु के आधार पर स्वर को चार भागों में बांटा गया है। पहला है संवृत स्वर, दूसरा है अर्ध संवृत स्वर, तीसरा है अर्ध विवृत स्वर, और चौथा है विवृत स्वर। संवृत का मतलब होता है बंद, अर्ध संवृत का मतलब होता है आधा बंद, और अर्ध विवृत का मतलब होता है आधा खुला, और विवृत का मतलब होता है खुला। अब देखिए, ये मैंने कहा था इसमें ई ई, और इन दोनों की जो बीच की स्थिति होगी यहां पर लिख देंगे हम रे। संवृत स्वर पहले है, संवृत स्वर यानी जिन स्वरों के उच्चारण में हमारी जिह्वा ऊपर उठकर हमारे वाग यंत्र के विवर को यानी वाग यंत्र को बंद कर देती है, और उसके बाद में जो ध्वनि उच्चारित होती है या जो स्वर उच्चारित होते हैं उन्हें संवृत स्वर कहा जाता है। देखिए इसमें आ जाएंगे ई ई री और ऊ, और दूसरे आधार पर मैं कहूं कि इन स्वरों के उच्चारण में हमारी जिह्वा सर्वाधिक ऊंचाई पर जाकर इन स्वरों के या संवृत स्वरों के उच्चारण में यहां लिख देता हूं। यानी संवृत स्वरों के उच्चारण में हमारी जिह्वा सर्वाधिक या वाग यंत्र के में सर्वाधिक ऊंचाई पर जाकर हमारे वाग यंत्र को के रंध्र को बंद कर देती है, और उसके बाद में जो स्वर ध्वनियां उच्चारित होंगे या स्वर उच्चारित होंगे उन्हें स्वरित स्वर कहा जाता है। देखिए मैं उच्चारित कर रहा हूं आपको ई, ई तो हमारे दोनों होर पास पास आ गई ई, और जिह्वा देखी हो तो छोटी जिह्वा देखी, जिह्वा कहाँ आ रही है? ई, आगे वाला जो हिस्सा है हमारे तालु के पास जा रहा है, ई ई तालु के पास जा रहा है। तो इस आधार पर हमारे वाग्यंत्र मुख, तो इस वाग्यंत्र मुख की सर्वाधिक ऊंचाई पर ऊपर तालु वाले हिस्से में ये जिह्वा जा रहा है। दूसरे आधार पर ई, तो
बड़ी ई बोल रहे हैं यानी दिल की ई, तो इसमें जिभ्या सर्वाधिक ऊंचाई पर जा रही है, और ज्योति बोल रहा हूं या ई बोल रहा हूं, तो इसमें क्या हो रहा है, ई जिभ्या थोड़ी नीचाई पर आ रही है। और री, री का उच्चारण कर रहा हूं मैं, री 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 का उच्चारण कर रहा हूं, तो जिभ्या इन दोनों के बीच की स्थिति में हो रही है। और हमारा वाद यंत्र देखो दोनों और पास पास आकर दोनों दांत भी पास पास आ जाते हैं, और जो दोनों दांतों के बीच में जो वायु निकलने का मार्ग है उसको जिभ्या क्या कर रही है, अवरुद्ध कर रही है। तो देखिए जैसे ई, तो जिभ्या बीच में आ गई और सर्वाधिक ऊंचाई पर पहुंच गई। उसी प्रकार से हम बात करें ऊ, ऊ यानी दोनों होंठ इतने पास पास आ रहे हैं कि वायु को बाहर निकलने में थोड़ा सा संघर्ष करने की आवश्यकता हो रही है। तो इस प्रकार से ऊ बिल्कुल दो वाद यंत्र के दो अवयव पास पास आ गए, तो ऊ और ऊ यहां पर भी जिभ्या सर्वाधिक ऊंचाई पर, तो संधि स्वर है ई ई री और ऊ और ऊ। अब दूसरा है अर्ध संवृत्त स्वर यानी जिभ्या संवृत्त की तुलना में हमारा जो मुख है वो कम बंद हो, संवृत्त की तुलना में हमारा जो मुख या वाद यंत्र संवृत्त की तुलना में कम बंद होता है या आधा बंद होता है उसे अर्ध संवृत्त स्वर कहा जाता है। इनकी संख्या दो मानी गई है, देखिए ए और ओ, ए और ओ, यहां बोल रहा हूं ई, तो हमारा जो वाद यंत्र के दो अवयव कितने पास पास आ गए हैं, ई और ए, मुंह इसमें ज्यादा बंद हो रहा है, ई ई ऊ ऊ, यहां देखो ए ए अपेक्षाकृत अधिक खुल गया, इनकी तुलना में अपेक्षाकृत अधिक खुल गया। और यहां देखो ओ, तो इसकी एक जितना ही यह हमारा वाद यंत्र खुला है, और इधर ऊ तो अपेक्षाकृत अधिक बंद हो गया है इसकी तुलना में, और जैसे ही ऊ की तुलना में मैं ओ बोलूंगा, ओ देखो ऊ ओ, तो ओ में इस ऊ की तुलना में मुंह हमारा अधिक ही खुल रहा है। तो इस आधार पर भी इन्हें अर्ध संवृत्त स्वर कहा जाता है। अब आ गया दूसरा अर्ध विपरीत स्वर यानी जिन स्वरों के उच्चारण में हमारा मुंह आधा खुल जाता हूं, यानी जिन स्वरों के उच्चारण में हमारा मुंह आधा खुल जाता हो या आधा कप की तरह गोल हो जाता हो उन्हें अर्ध विपरीत स्वर कहा जाता है। देखिए ए इनकी तुलना में अधिक खुलेगा, ए यानी आधा मुंह खुल गया, ए आई सॉरी आई आई ए औ, आई ए और औ, यहां ए कम बंद हो गया, ए आई ए आई, यहां तक की पास आ गया। तो इस आधार पर ए आई ए और औ ये अर्ध विपरीत स्वर माने गए हैं। और विपरीत स्वर यानी जिन स्वरों के उच्चारण में हमारा मुंह सर्वाधिक खुल जाता हो, ये कहूं कि पूरा का पूरा वाद यंत्र खुल जाता हो, ऐसे स्वरों को विपरीत स्वर कहा गया है। और वो मात्र केवल एक है जो है आ, देखिए आ का उच्चारण करते ही हमारा मुंह सर्वाधिक खुल जाता है, आ आई ए और आ, तो आ खुलते ही हमारा मुंह सर्वाधिक खुल जाता है। तो इस आधार पर भी स्वरों को, तालु के आधार पर भी स्वरों को चार भागों में बांटा गया है। पहला है संवृत्त स्वर, स्वर कौन कौन से हैं यहां लिख देता हूं, इस डायग्राम को उतारना चाहो तो उतार सकते हैं, संवृत्त स्वर यानी ये चार होंगे, ये और ये हो गए संवृत्त स्वर। अर्ध संवृत्त स्वर ये हो गए हमारे दोनों आई ए और ओ, और अर्ध विवृत में हो गए हमारे आई ए और औ, और विवृत केवल मात्र एक स्वर है वो है हमारा आ। तो इस आधार पर मैं यहां लिख देता हूं
स्वरों की संख्या हो गई पांच, वो है ई ई री ऊ और उ। और अर्ध विकृत है हमारे दो, वो है ए और ओ। और अर्ध विकृत है, अर्ध समृद्ध है दो और अर्ध विकृत है तीन, वो है ए आई औ। और विवृत है हमारे केवल एक स्वर है जो है आ। इस आधार पर समृद्ध स्वर पांच हो गए ई ई री ऊ और उ। अर्ध समृद्ध स्वर हो गए दो ए और ओ। अर्ध विवृत हो गए ए आई औ और विवृत हो गया एक वो है आ। इस प्रकार से तालु के आधार पर भी स्वरों को चार भागों में बांटा गया। इस आधार पर हमें चार भाग पढ़ लिए। अगला है मात्रा काल के आधार पर, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ले लीजिए। मात्रा काल के आधार पर स्वर तीन प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा लघु स्वर या रिस्व स्वर, दूसरा है गुरु स्वर या दीर्घ स्वर, और तीसरा हमारा प्लुत स्वर। इस प्रकार से मात्रा काल के आधार पर स्वरों को तीन भागों में बांटा गया है। लघु स्वर या रिस्व स्वर यानी जिन स्वरों के उच्चारण में हमें कम समय लगता हो उन्हें लघु स्वर या रिस्व स्वर कहा जाता है। इनकी एक मात्रा गिनी जाती है जिसे खड़ी पाई से दर्शाया जाता है। इसकी एक मात्रा गिनी जाती है यानी जिन स्वरों के उच्चारण में हमें अपेक्षाकृत कम समय लगता हो उन्हें लघु स्वर या रिस्व स्वर कहा जाता है। दूसरा गुरु स्वर यानी जिन स्वरों के उच्चारण में हमें अधिक समय लगता हो या रिस्व स्वर की तुलना में अधिक समय लगता हो या दुगना समय लगता हो उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। इन्हें अवग्र चिन्ह से दर्शाया जाता है और इसकी मात्रा दो गिनी जाती है। इनकी मात्राएं दो गिनी जाती है। तीसरा हमारा प्लुत स्वर यानी जिन स्वरों के उच्चारण में हमें दीर्घ की तुलना में भी अधिक समय लगता हो उन्हें प्लुत स्वर कहा जाता है। और हिंदी में केवल मात्र एक प्लुत स्वर है जिसका नाम है ओ। यानी ओ इसकी मात्रा भी दो ही गिनी जाएगी। भले ही हमें समय अधिक लग रहा हो इसकी मात्रा तीन नहीं गिनी जाएगी केवल दो ही गिनी जाएगी। तो इस आधार पर मात्रा को हमारे मात्रा काल के आधार पर स्वर तीन प्रकार के हैं लेकिन मात्रा के आधार पर मात्रा की गिनती के आधार पर स्वर दो ही प्रकार के माने जाते हैं। जैसे अब रिस्व स्वर या लघु स्वर कौन कौन से हैं, जो मूल स्वर थे वही लघु स्वर है जैसे ए ई ऊ और री, इनकी मात्रा एक गिनी जाती है। गुरु स्वर आ ई ऊ ए आई ओ और औ, ये हमारे दीर्घ स्वर या गुरु स्वर माने गए। प्लुत स्वर केवल एक है हिंदी में जो है ओम और इसकी मात्रा भी दो ही गिनी जाती है और इसे अवग्र चिन्ह से दर्शाया जाता है। इस आधार पर मात्रा काल के आधार पर भी स्वर तीन प्रकार के होते हैं। इसका भी चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब अगली बारी है हमारी, अगला वर्गीकरण है कौवे के आधार पर।
तजुर्बे के आधार पर कौवे के आधार पर सारे दो प्रकार के माने जाते हैं। कौवे के आधार पर स्वर को दो भागों में बांटा गया है। पहला है निम्नुनासिक, निम्नुनासिक और दूसरा है अनुनासिक, अनुनासिक। पहला कौवे की के आधार पर कौवा या हमारी छोटी चिड़िया अली सीरिया जिसे बोलते हैं, इसके आधार पर भी हमारे स्वर को दो भागों में बांटा जाता है। पहला है निम्नुनासी, दूसरा है अनुनासी। निम्नुनासी यानी जिस स्वरों के उच्चारण में वायु हमारी वाद यंत्र या मुख से ही संपूर्ण, यानी जिन स्वरों के उच्चारण में फेफड़ों से उठने वाली वायु केवल मुख से ही बाहर निकलती हो, ऐसे स्वरों को निम्नुनासी स्वर कहा जाता है। यानी जिन स्वरों के उच्चारण से या जिन स्वरों के उच्चारण में फेफड़ों से उठने वाली वायु केवल मुख से ही बाहर निकलती हो, ऐसे स्वरों को निम्नुनासिक स्वर कहा जाता है। इसमें सभी स्वर आ जाते हैं, इसमें सभी स्वर आ जाते हैं। जैसे मैं बात करूं सभी स्वरों में, अभी 11 के 11 स्वर आ जाएंगे, ए आ ई ई ऊ ऊ री ए आई ओ और औ, यानी ये 11 के 11 स्वर सारे के सारे निम्नुनासिक स्वर कहलाते हैं। अनुनासिक स्वर यानी जिन स्वरों के उच्चारण, अनुनासिक स्वर यानी जिन स्वरों के उच्चारण में फेफड़ों से उठने वाली वायु नाक तथा मुख, यानी जिन स्वरों के उच्चारण में फेफड़ों से उठने वाली वायु नाक तथा मुख दोनों से बाहर निकलती हो, ऐसे स्वरों को अनुनासिक स्वर कहा जाता है। और अनुनासिकता का चिन्ह ये माना जाता है जिसे हम चंद्र बिंदु कहते हैं। सभी के सभी स्वर अनुनासिक होते हैं, सभी के सभी स्वर अनुनासिक होते हैं। देखो इसको मैं लिखकर बताता हूं कैसे होते हैं। ऐ ऐ यानी वायु है फेफड़ों से उठने वाली जो वायु है नाक तथा मुख दोनों से बाहर निकल रही है। ऐ ऐ मुख से भी और नाक से भी, अपेक्षा करते मुख से अधिक निकल रही है, नाक से कम निकल रही है लेकिन नाक से भी निकल रही है। तो इस वजह से ऐ आ ई चाहे तो हम इसको चंद्रबिंदु के रूप में भी दर्शा सकते हैं, लेकिन मात्रा होने की वजह से मैं बिंदु से ही काम चला, अनुनासिक चिन्ह से ही काम चला रहा हूं।
बढ़िया। सातवां स्वर तंत्रिका की आधार स्वर तंत्रिका के आधार पर स्वर को दो भागों में बांटा गया है। स्वर को दो भागों में बांटा गया है। पहला इसमें स्वर तंत्रिका कहते किसे, जो जहां से हमारा ये गला है, जहां से हमारी ध्वनि बाहर निकलती है, इस वाद यंत्र तो पूरे मुख को कहा जाता है, और स्वर तंत्रिका कहा जाता है हमारे इसी कंठ को। कंठ को ही क्या कहेंगे हम, स्वर तंत्रिका कहा जाता है। इसकी स्वर तंत्रिका के आधार पर स्वर को दो भागों में बांटा गया है। पहला है प्राणत्व के आधार पर, और दूसरा है कंपन के आधार पर। कंपन के आधार पर प्राणत्व के आधार पर और कंपन के आधार, यानी स्वर तंत्रिका के आधार पर स्वर को दो भागों में बांटा गया है। पहला प्राणत्व के आधार पर, दूसरा है कंपन के आधार पर। प्राणत्व के आधार पर स्वर, प्राणत्व के यानी स्वर तंत्रिका के आधार पर स्वर को दो भागों में बांटा गया है। पहला है प्राणत्व के आधार पर, दूसरा है कंपन के आधार पर। प्राणत्व के आधार पर भी हमारे स्वर को दो भागों में बांटा गया है। पहला है अल्पप्राण और दूसरा है महाप्राण। अल्पप्राण और महाप्राण प्राणत्व के आधार पर, यानी जिन स्वर के उच्चारण में हमें अधिक प्राण वायु की आवश्यकता होती हो उन्हें महाप्राण स्वर कहा जाता है, और जिन स्वर के उच्चारण में हमें कम प्राण वायु की आवश्यकता होती हो उन्हें अल्पप्राण कहा जाता है। उसी आधार पर कंपन के आधार पर भी स्वर को दो भागों में बांटा गया है। पहला है घोष स्वर या सेगोस, दूसरा है एघोष या जपित स्वर, एघोष या जपित स्वर। कंपन के आधार पर स्वर को दो भागों में बांटा गया है, सघोष या घोष स्वर तथा अघोष या जपित स्वर, यानी जिन स्वर के उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रिका में कंपन होता हो, यानी जिन स्वर के उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रिका में कंपन उत्पन्न होता हो उन्हें सघोष या घोष स्वर कहा जाता है, और जिन स्वर के उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रिका में कंपन उत्पन्न नहीं होता हो उन्हें अघोष या जपित स्वर कहा जाता है। फिर दोबारा से बोल रहा हूं, कंपन के आधार पर स्वर को दो भागों में बांटा गया है। पहला है घोष सघोष, दूसरा है अघोष या जपित स्वर। इसकी परिभाषा है कि जिन स्वर के उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रिका में कंपन होता हो उन्हें सघोष या घोष स्वर कहा जाता है, और जिन स्वर के उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रिका में कंपन नहीं होता हो उन्हें अघोष या जपित स्वर कहा जाता है। यानी मैंने अभी आपको यहां नहीं बताया कौन से अल्पप्राण स्वर हैं, कौन से महाप्राण स्वर हैं, कौन से सघोष स्वर हैं, कौन से अघोष स्वर हैं। इसमें नोट लगाकर लिख लो कि सभी के सभी स्वर, यानी सभी स्वर
अल्प प्राण होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। सभी स्वर अल्प प्राण तथा सघोष होते हैं, सभी स्वर अल्प प्राण या सघोष स्वर होते हैं। कोई भी स्वर महाप्राण नहीं होता है तथा कोई भी स्वर अघोष स्वर नहीं होता है। सभी के सभी स्वर सघोष होते हैं और सभी के सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। तो इस आधार पर हमने देखा कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो आज हमने अब एक चीज और बच गई है स्वर के बारे में, स्वरों का उच्चारण स्थान बच गया है, जिसके बारे में हम कल अध्ययन करेंगे। नमस्कार।